परितंत्र क्या है? किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, अजैव घटक जैसे कि जलवायु हो गया, भूमि हो गया, भूमि को हम मिट्टी भी कहते हैं, नदी हो गया, डेल्टा इत्यादि, संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करता है। परितंत्र का मतलब होता है इकोसिस्टम। और आप सभी को पता है कि इकोसिस्टम में कई प्रकार के अलग अलग चीजों को साथ जोड़ के तभी जाके परितंत्र का निर्माण होता है, इकोसिस्टम का निर्माण होता है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि परितंत्र क्या है, तो आप बताएंगे किसी भी क्षेत्र का, कोई भी जगह हो, जमीन का कोई भी ऐसा निवास स्थान हो, वहां क्या होता है, सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव, जैव घटक, अजैव घटक, जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से, मतलब ग्रुप बना के किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं।